चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय। आज विरासत में बड़ी अनोखी बात करने आए हैं। कहते हैं सीधा हम सम्मेर शिखर जी की तलहटी से आए हैं आपके पास। क्या नया यहाँ पर तलहटी के मंदिरों में? वही जो पूरे देश के मंदिर में होता है, यानी कहीं कम कहीं ज्यादा जिन मूर्तियां होती, हाँ कहीं कहीं मान स्तंभ होता है, ध्यान केंद्र होता है, कहीं कहीं चरण छतरी भी हो जाती है, कहीं कहीं इस पेट को भरने के लिए भोजनशाला भी हो जाती है, स्वाध्याय कक्ष भी हो जाता है, कहीं कहीं और कुछ हो जाता है, इसके अलावा कुछ होता है हमारे आस्था केंद्रों में। पर यहां हम तलहटी में जो बात करने आए हैं वह कुछ ऐसी बात करने आए हैं जो आपने आज तक नहीं पर आगे से रोज गुनगुनाएंगे। ज्यादा पहेलियां नहीं बुझाएंगे, सीधी बात पर आएंगे, गुणायतन के गुणों के बारे में बताएंगे। खास बात यह है क्योंकि इसको बनाने वाले प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी भी अब यहीं पर आ गए हैं। कहते हैं एक बनाता है, एक खिलता है, और जब चल और अचल तीर्थ का संगम होता है तो हर का दिल बांचे खिलता है। सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे इस गुलाबी पत्थर से बनते मंदिर की और बताते जाएंगे यहाँ के गुलाबी पत्थरों का राज। अरे पहले वह जान लीजिए इन गुलाबी पत्थरों के बारे में। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी और उनके सुशिष्य द्वारा देश भर में 22 मंदिरों का गुलाबी पत्थरों से निर्माण हो चुका है या हो रहा है। जब यह राज जाना अयोध्या के श्री राम मंदिर के महासचिव चंपत राय जी ने, तब वह नेमावर आए गुरुवर के दर्शन करने, राज जानने, क्योंकि अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनना है, गुलाबी मंदिरों की खास बात है, यही तो जानना था उनको भी। बात कर रहे हैं गुलाबी पत्थर की, यहाँ पर कितना लगा है आपको ये फिगर बताते हैं। लगभग 2.5 लाख घन फीट लग रहा है पत्थर ये, क्योंकि ये शिखर जी जो है ना यह भूकंप सेसेमिक जोन में है, खतरा रहता है भूकंप का, इसलिए यहाँ की मजबूती को काफी ध्यान से रखा गया है। और ये गुलाबी पत्थर आता है राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से, वहां से यह 2.5 लाख घन फीट आया। अब सोचिए इसकी मजबूती के लिए कितना लोहा लगाया होगा, आप सोच लीजिए इसको और फिर थोड़ी देर में बताएंगे, तब तक शायद आप अंदाजा लगा लेंगे। थोड़ा सा ब्रेक एक सूचना के लिए, कल का 11 अप्रैल का विशेष एपिसोड है जरूर का, क्योंकि अब अयोध्या के बाद खुलेगा काशी कुतुब का इतिहास, क्यों ना इसी समय कर ली जाए कुछ और मस्जिदों की बात। समझदार के लिए इशारा काफी है, बस इंतजार के 24 घंटे बाकी हैं। गुणायतन की बात कर रहे हैं, जरा सुनते रहिए। इस सेसेमिक जोन में जो तलहटी में है ना मंदिर बने हैं, उनकी उम्र कितनी सोचते हैं हम? 200 साल 250 साल फिर जीर्णोद्धार करना पड़ता है, पर इसकी उम्र जो बताई जा रही है 1500 वर्ष बताई जा रही है, यानी इतना मजबूत बनाया जा रहा है इस मंदिर को। हाँ तो बातों बातों में हम भूल ही गए कि लोहे का वजन कितना है, अंदाजा आप लगा रहे हैं 1500 साल बरस इसकी उम्र रखनी है। अब इतनी उम्र के लिए कितना लोहा लगाना है, और आपको ये तो बता दें यहाँ के संयोजक हैं सुभाष चंद्र जी, सुभाष चंद्र जैन, जो पहले भारत की नंबर 1 स्टील कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के ईडी थे, यानी लोहे स्टील के बारे में पारखी। अब वह तो बता देंगे कि कितना लोहा लगाना है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे उतने कितना लोहा लगवा रहे हैं, कितना? इतना इतना, यानी 0 ग्राम लोहा लग रहा है इस मंदिर में। स्टील के पारखी बताते हैं इस मंदिर की मजबूती के लिए लोहे की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ सीढ़ियों से आगे बढ़ते हैं, अब कुछ आगे बात करते हैं। जैसे जैसे बढ़ते हैं सुंदर सुंदर स्वर्ग की देवांगनाएं अप्सराएं विभिन्न रूपों में जैसे आपको आमंत्रित करती हैं प्रवेश के लिए। कहते हैं जब आप निर्मल भाव से गुणायतन प्रवेश करेंगे तो आपको स्वर्ग जैसी ही अनुभूति होगी। इसी तरीके से यहां पर विभिन्न मुद्राओं में देवांगनाएं दिख जाएंगी। पंचायतन शैली में बन रहा है यह मंदिर, गजब की नक्काशी है यहां, जो खुद बोलती है 4 पंक्तियों में अपना मुख खोलती है। जी हाँ, नीचे से 4 पंक्तियां देखते रहिए। पहले पंक्ति में आपको मिलेंगे गजराज, शक्ति के प्रतीक, जिनके ऊपर इंद्र इंद्राणी के जोड़े बैठे हुए हैं। दूसरी मिलेगी आपको बेलों की प्रगति को प्रतीक करती हुई, प्रगति दिखाती हुई। तीसरी पंक्ति मिलेगी आपको पुष्पों की सुगंधी को, प्रकाश को उज्ज्वलित करते हुए खिलखिलाते दिखाने के लिए। और चौथी पंक्ति में आपको विभिन्न तरह के देव दिख जाएंगे, विभिन्न रूपों में दिख जाएंगे, जैसे आपको अगले जन्म में देव बनने को इस तरीके से जैसे उकसाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 इंद्रों के बीच में एक एक आकृति और बनी है, काय के लिए बनी है? इंद्रों को दूर कर रही है। जी हाँ, यह आकृति ही तो इस विशेष बात है इस मंदिर की, यह आकृति है वागला की,
यानी वागला वह है जो नेगेटिव ऊर्जा को, नेगेटिव बात को अंदर जाने से, प्रवेश करने से रोक देता है। यानी घोड़ायतन में जाएंगे, नेगेटिव ऊर्जा को पाएंगे नहीं, पॉजिटिव ऊर्जा अंदर समेट कर लाएंगे। यही तो बात है जो बार बार घोड़ायतन के गुण दोहराएंगे। हाँ, इस तलहटी में, शिखर जी में 30 से ज्यादा मंदिर होंगे, सब हमारे आस्था के केंद्र हैं, श्रद्धा के प्रतीक होते हैं। पर यहां पर तो अलग बात है, सम्मोषण भी है। अरे सम्मोषण तो क्या हुआ, सम्मोषण तो कई बार देख चुके हैं, पर यहां पर मूक सम्मोषण नहीं है, बोलने वाला सम्मोषण है। जी हां, बोलने वाला। अभी तक मूक देखे ना, मन तो करता ही है कि इस पंचम काल की बजाय चौथे काल में जन्म लिया होता, या विदेश क्षेत्र में कम से कम सम्मोषण में तीर्थंकर की वाणी सुनने को मिलती। क्या होती है दिव्य ध्वनि, वे आ यहां देखेंगे। अरे यहां रुके हुए नहीं, चलते हुए सुनते हुए सम्मोषण को देखेंगे। अरे गुनगुन गाएंगे गुणायतन के। एक यहां पर ऑडिटोरियम भी होगा, ऑडिटोरियम, जी हां, फुल एंटरटेनमेंट, ज्ञान का आनंद भरपूर होगा। 160 लोग एक साथ बैठ सकेंगे, 120 मिनट तक अपलक देखते रहेंगे। 4DX इफेक्ट में 9D के अंदर आत्मा से परमात्मा की यात्रा, जीवंत यात्रा। अरे एक बार बंद तो जाने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। घोड़ायतन यानी जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला। ग्राउंड फ्लोर भूतल और फर्स्ट फ्लोर प्रथम तल, इन पर चतुर्मुखी द्वार है और प्रमुख द्वार उत्तम दिशा यानी उत्तर की ओर है। यहां पर प्रत्येक द्वार पर 16 स्तंभ बनाए हैं। अब आप सोचते हैं गिनती में 16 क्यों, 16 यानी 16 भावनाओं के प्रतीक, एक स्तंभ एक भावना का। हाँ, इस प्रमुख 160x160 फुट के प्रमुख जिनाले के चारों तरफ एक एक समान तरह के एक एक जिनाले और बन रहे हैं, निर्माण कार्य जोरों पर है। और इन सब की नक्काशी जो हो रही है, यहां पर तो हो ही रही है, राजस्थान में भी हो रही है, उड़ीसा के कारीगर भी कर रहे हैं। और सुभाष चंद्र जी ने खास बात और बताई कि केवल 4 शिखरों पर ही पॉलिश की जा रही है, यानी लोहे के पार की यहां बिल्कुल लोहा नहीं लगा रहे हैं। यही तो बात है, बरसों से बन रहा है, खर्च कितना हो रहा है, यह भी एक जिज्ञासा होती है ना। इस बारे में हमने सुभाष जी से बात की और कई कार्यकर्ताओं से बात की, सबने अपने मुंह बंद कर लिए। कहते जो आया है इसमें लगता जा रहा है, कम नहीं पड़ रहा है, और जो आएगा लगता जाएगा, गिनती की बात कहीं कोई नहीं बताएगा। यही तो खास बात है, लोहे के पार की, स्टील के पार की रहे सुभाष जी, यहां पर लोहा बिल्कुल नहीं लगवा रहे हैं। यही तो बात फिर दोहरा रहे हैं। इस मंदिर के निर्माण के बारे में सुभाष जी ने बताया कि पत्थर का तो 98% काम कर लिया है, चारों तरफ जिनाले बनते रहेंगे, बनेंगे, छत का काम थोड़ा बाकी है, फिनिशिंग का काम बाकी है, रेलिंग लगनी बाकी है, और यह सब काम हम टाइम पर कर लेंगे, यानी दिसंबर 2021 तक इसको पूरा कर लेंगे, क्योंकि लोगों में गुणात्मक परिवर्तन भी तो करना है, 2022 से सब कुछ नया नया लगना है। इस अनोखे गुणायतन मंदिर की भव्यता के बारे में कितना कितना बताएं आपको, आपकी बेकरारी बढ़ती जाएगी, आपके आने की तारीख यहां जल्दी आ जाएगी, वैसे आए भी जल्दी, क्योंकि इस समय इस मंदिर के प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी भी यहां आ चुके हैं। यानी चल और अचल तीर्थ का अद्भुत संगम है, एक पंथ दो काज, आ जाइए, मिल लीजिए और देख लीजिए गुणों के आयतन को, विज्ञान की इस जैन प्रयोगशाला को। एक बार आएंगे गदगद हो जाएंगे, फिर नई राजकारी जानकारी आएंगे आपके पास, नई जानकारी के साथ फिर आएंगे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।